आज हम राखी के लिए एक मिठाई मावा के यानी कि खोए के पेड़े बनाएंगे। खोए में से पेड़े बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। 500 ग्राम हमें खोया लेना है, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, आधा कप टगार और बारीक कट की हुई पिस्ता की स्लाइस गार्निशिंग के लिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये पेड़े बनकर तैयार होते हैं। हलवाई के वहाँ से हम जो पेड़े लाते हैं उसी टेस्ट के पेड़े घर पर बहुत ही कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट्स बनके तैयार होते हैं। गार्निशिंग के लिए आप बादाम की स्लाइस भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। नॉनस्टिक या तो भारी तलिए वाली कढ़ाई में ही हम पेड़े बनाएंगे। अभी मैंने नॉनस्टिक लिया है और उसके अंदर हम खोया डालेंगे। मेरा खोया अभी फ्रेश है तो मैंने उसे कद्दूकस नहीं किया है, उसका टेक्सचर जो है वो नरम ही है। अगर आप खोया फ्रीज में रखते हैं तो पेड़े बनाने से आधे घंटे पहले उसे आप बाहर निकाल दें और उसे कद्दूकस कर ले। मेरा जो खोया है वो फ्रेश है तो मुझे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। स्पैचुला से हम उसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे इस तरह से चलाकर मिक्स करना है। थोड़ी देर में हमारा खोया सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा खोया सिकता जाएगा उसका टेक्सचर इस तरह से थोड़ा सा नरम होता जाएगा। खोए को हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए सीख लेना है। 5 से 7 मिनट का हमें इसमें समय लगेगा। अगर आप भारी तलिए वाली कढ़ाई या नॉनस्टिक लेंगे तो खोया नीचे से चिपकेगा नहीं। इसे हमें इस तरह से लगातार चलाना है। 3 से 4 मिनट के बाद जब खोया अच्छी तरह से सीख जाए तब उसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से पेड़े के अंदर घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और पेड़े के ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। 1 छोटी चम्मच के करीब ही हमें घी डालना है, ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। मावा अभी हमारा काफ़ी नरम हो गया है और उसकी ऐसी गोले बनने जैसी कंसिस्टेंसी भी आ गई है, तो मावा अभी अच्छी तरह से हमारा सीख चुका है। मावा फ्रेश है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। गैस अभी हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी आप 2 से 3 मिनट के लिए खोए को इस तरह से चलाते रहे क्योंकि नॉनस्टिक अभी हमारा गर्म है। दो से तीन मिनट इसे चलाते रहने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम नॉनस्टिक में चारों ओर इस तरह से खोए को फैला देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अभी 1 घंटा हुआ है और खोया अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो उसे हम इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे। अगर आपको दानेदार पेड़े चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हलवाई जैसे बहुत ही स्मूथ टेक्सचर वाले पेड़े चाहिए तो हथेलियों के इस हिस्से से आप उसे इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मसल लें ताकि उसका जो टेक्सचर है वो हलवाई के पेड़े जैसा बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मसल लेंगे। 5 मिनट अच्छी तरह से मसलने के बाद इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और आधा कप टगार डालेंगे जिसे भूरा शुगर भी कहते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी और डाल सकते हैं और अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो टगार की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर दें। ध्यान रहे कि पेड़े के अंदर हमें टगार ही डालना है, पीसी हुई चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं डालनी है। मार्केट में जो रेडी टगार मिलता है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। टगार को चाशनी बनाने के बाद बनाया जाता है, तो जब भी आप कोई मिठाई के अंदर टगार मिक्स करते हैं तो टगार मिक्स करने के बाद मिठाई के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर नहीं आता है, बस वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, नरम होता है। अगर आप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो उसमें से पानी छूटेगा और हमारा खोया बहुत ही नरम हो जाएगा। टगार मिलाने के बाद इसे हम फिर से 1 से 1.5 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। मैंने इसे 2 घंटा रखा था। टगार डालने से हमारा जो खोया थोड़ा सा नरम हो गया था वो अभी
थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और अभी इसमें से हम पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसका हम एक बड़ा सा गोला बना देंगे। किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इस तरह का एक बटर पेपर रखेंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक की पन्नी भी रख सकते हैं, उस पर थोड़ा सा घी लगा दें। ये बटर पेपर है तो मुझे घी से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरह का एक बड़ा सा मोटा वाला बेलन लेंगे और उसे बेल लेंगे। यहाँ पर हम कुकी कटर से पेड़े बनाएंगे ताकि हमारे सारे पेड़े एक जैसे बने। अगर आप चाहे तो हाथों से भी कोई भी शेप देकर ये पेड़े तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेलन के ऊपर भी आप थोड़ा सा घी लगा दें ताकि बेलन के ऊपर खोया चिपके नहीं। घी लगाने के बाद भी थोड़ा सा खोया तो बेलन के ऊपर चिपकेगा। मीडियम थिक बेलने के बाद एक कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे एक अच्छा सा फिनिश दे देंगे और उसका एक लेवल बना देंगे। अब एक कुकी कटर लेंगे और उससे हम पेड़े तैयार करेंगे। आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या फिर छोटी कटोरी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम थिक पेड़े बनाए हैं। आपको जितनी थिकनेस रखनी हो उस हिसाब से आप इसे बेलें और फिर इस तरह से कुकी कटर या तो कोई भी ढक्कन या कटोरी से पेड़े को कट कर लें। पेड़े तैयार करने के बाद उसे एक प्लेट में रख दें। अभी इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप वर्क लगाना नहीं चाहते हैं तो आप बिना वर्क लगाए भी इसे गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी पेड़े के ऊपर वर्क लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो पिस्ता की स्लाइस रखी थी उससे गार्निशिंग करेंगे। आप बादाम की स्लाइस भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आप चांदी का वर्क लगाना नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ पेड़े तैयार करने के बाद ये पिस्ता या बादाम की ऐसी स्लाइस से उसे गार्निश करें। अब गुलाब की पंखुड़ियों से हम उसे थोड़ा सा और गार्निश कर देंगे तो अभी हमारे हलवाई जैसे पेड़े बनकर तैयार है। देखिए, लग रहे हैं ना हलवाई जैसे मार्केट वाले पेड़े। तो इस राखी पर खोए के ये पेड़े की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं।